साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इजी ब्यूटी ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप मिनटों में सुंदर और हॉट लग सकते हैं। जी हाँ, अगर आप वर्किंग हैं यानी कि काम करते हैं ऑफिस जाते के टाइम पर, आपको बिल्कुल भी सजने संवरने का, अपने आप को रेडी रखने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो ये ट्रिक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। आप इन्हें यूज़ कर सकती हैं घर बैठे घर की कन्वीनियंस पे, और आपको बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर चाहे आपको अपने घने लंबे बालों को संवारना हो, पलकों को मोटा मोटा दिखाना हो, या फिर अपने होठों को भरा भरा लुक देना हो, आप इन ट्रिक्स को आजमाइए और फिर उठाइए फ़ायदा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये ट्रिक्स को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करने के लिए बाज़ार से महंगी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कैरी करना पड़ेगा या फिर खरीदना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने बालों को घना करने के लिए आप अपने बालों को रेगुलर शैम्पू के साथ नींबू के रस और एलोवेरा के रस को मिक्स करके अपने बालों में मसाज करके रेगुलर वाटर से या फिर जिस भी पानी से आप अपने सर को धोती हैं, लाइक गर्म और ठंडा, उसे धो लीजिए। ऐसा करने से आपके बाल घने दिखना शुरू हो जाएंगे, साथ ही साथ उनकी चमक भी बढ़ती जाएगी। घनी आईलैशेस को पाने के लिए आपके ड्रेसिंग टेबल पर जो मस्कारा की खाली डब्बी रखी हुई है, उस डब्बी के अंदर आप कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल और विटामिन ए तेल को मिक्स कर लीजिए, और इसको हर रात को सोने से पहले उसी ब्रश से अपनी आईलैशेस पर लगाइए। ऐसा करने से आपकी आईलैशेस बड़ी और घनी हो जाएंगी। सुंदर लिप कलर के लिए, कई बार अगर आपको ऐसा लगता है कि लिपस्टिक लगाने पर आपके लिप्स को वो शेड नहीं मिल पा रहा है जो कि लिपस्टिक के पैकेट पर दिया गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिपस्टिक लगाने से पहले आप अपने होठों पर हल्का हल्का क्लेंजर मसाज कर लीजिए और उसके बाद लिपस्टिक को लगाइए, आपको वही शेड मिलेगा जो कि पैकेट पर दिखाया गया है। हमेशा लाइट ब्राउन पेंसिल ही चूज़ करें। अगर आप अपनी आईब्रो को भरने के लिए लाइट ब्राउन शेड की पेंसिल का इस्तेमाल करेंगी, तो आपकी आईब्रोज प्राकृतिक रूप से घनी दिखाई देंगी। ऐसा करने के लिए किसी भी लाइट ब्राउन शेड की पेंसिल को अपनी आईब्रो पर सामान्य रूप से लगाएं और फिर अपनी उंगली की सहायता से उस आईब्रो पेंसिल को फैला लीजिए। ऐसा करने से आपकी आईब्रो प्राकृतिक रूप से घनी और सुंदर दिखाई देंगी। सफ़ेद दांत करने के लिए, जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों के पास तैयार होने का तो टाइम बहुत होता है, लेकिन फिर भी उनकी स्माइल में जो एक स्पेशल कंटेंट होता है यानी कि उनके दांत, वह पीले और भद्दे दिखाई देते हैं। अगर आपको पीले दांतों से छुटकारा पाना है तो आप चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं। चारकोल पाउडर को सामान्य रूप से अपने टूथब्रश पर लगाइए और 5 मिनट से इससे ब्रश कीजिए और फिर खुला कर लीजिए। ऐसा करने से आपके दांत चमकदार तो होंगे ही, साथ ही आपको कैविटी से भी सुरक्षा मिलेगी। ऐसे लगाएं आप ब्लशर। अगर आप अपनी उम्र से कम दिखना चाहती हैं तो ज़रूरी है कि आप ब्लशर को ठीक तरीके से लगाएं। ब्लशर को अपने चिक बोन्स के ऊपरी साइड पर लगाएं। ऐसा करने से आपका फेस का स्ट्रक्चर अच्छा दिखेगा और आप भी यंगर लुकिंग दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कुछ ऐसी ब्यूटी ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपने बिजी स्टेड्यूल में भी सजने संवरने का टाइम बहुत आसानी से निकाल सकती हैं। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।